भगवान ने जवाब दिया है, कामेश क्रोधेशा रजो गुण समुद्भव महाशनो पापमा महापापमा विध्येनम यह वैरिणम। यहाँ पर रजोगुण समुद्भव ये कहकर भगवान दिखा रहे हैं, ये मत सोचना इन वैरियों को हम जीत ही नहीं सकते, क्योंकि इस रजगुण से भी श्रेष्ठ एक दूसरा गुण है, जिसको अपनाओगे तो इसको परास्त कर सकते हैं, सत्व। सत्व वृद्धिया रज का विभव के द्वारा काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, यह सूचित कर रहे हैं यहां रजगुण समुद्भव शब्द से। रजगुण से उत्पन्न है, इसलिए इसको जितना आसान है बस केवल अपने अंदर सात्विक वृत्ति को बढ़ाओ। शास्त्रीय वासना, जो शास्त्रीय वासनाएं क्या है, शास्त्र के कथित कर्म और उपासना का अनुष्ठान करते जाएंगे, अंतर्गत शुद्धि होगी तो अपने आप सात्विकता बढ़ती जाएगी। जैसे सात्विक वृत्ति बढ़ेगी आपकी, अपने आप रजगुण की कार्यभूता कामना पर विजय प्राप्त आसान हो जाता है। क्योंकि अन्यत पुराण भागवत में कहा, अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते नेह कर्हृचित् यद्यद्धि कुरुते जन्तुस् तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। कहा देगी देखो, अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते नेह कर्हृचित्। पुस्तक में नहीं मिलेगा, भागवत का बोल रहा हूं, वहां कहीं नहीं दिया। अकाम से मैंने अकाम काम रहित पुरुषस्य क्रिया काचिदपि यह लोके कर्रिचित कदाचिदपि न दृश्यते। वो क्रिया का को करेगा, न कुर्वन न कारयन, यहां भी गीता में न कुर्वन न कार्य न घातेति हंतिकम्। उसको वहां स्पष्ट शब्दों से कह दिया, अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते नेह कर्रिचित्, दृश्यते न यह कर्रिचित्, क्योंकि यद्यद्धि कुरुते जंतुस् जो जो ये जंतु जीव करता है तत् तत् कामस्य चेष्टितः, वह वह जो है काम की प्रेरणा से व्यक्ति प्रवृत्ति मारायण मार्ग में चल पड़ता है, क्रियाकलाप। इसीलिए सत्व का अभिवृद्धि से क्या होगा, अकाम अवस्था पहुंच ही सकता है आदमी, से स्पष्ट हो गया इस श्लोक से। सकाम अवस्था तो है ये, काममयो एव अयम पुरुष, श्रुति कहती है काममय एव अयम पुरुष, किंतु अकाममयोपि अयम पुरुष भवति भवितुमर्हति च। अकाममय पुरुष भी होता है और हो भी सकता है, यही संकेत यहाँ रजगुण समुद्भव से बोल रहे हैं। मसूदनी नीलकंठी का पहला पंक्ति देखो, काममय एव अयम पुरुष दिया श्रुति, लेकिन भगवान का देख कोई जरूरी नहीं है काम मही ही हो, क्योंकि उसी श्रुति में अकामय माना अथनु अकामय माना बृहदारण्यक उपनिषद ने दोनों लिया, कामय माना क्या होता है उसका फल, अथनु अकामय माना किसे विभाजन करके अकामय पुरुष को भी वर्णन किया है श्रुति में ही, तो कहा है वो भी काम संकल्प चिकित्सा तो सर्व मनेव, ऐसा बृहदारण्यक में भी कहा, इसे मन का धर्म है और मन होता है रजगुण का कार्य, बुद्धि है सात्विक की। मन प्रधान जब रहोगे तो कामना जरूर आएगा, मन का सुनो मत बुद्धि का सुनोगे तो सात्विक हो जाओगे, कामनाएं दूर हो जाएगी। इसलिए उसमें कहा संत है जो मन को मारा का बुद्धि को मारा नहीं कहा, बुद्धि को मार दोगे तो खत्म ही हो जाओगे, महाज्ञानी हो जाओगे, बुद्धि को दबाना नहीं है, बुद्धि तो सात्विक है शुद्ध है, मन ही गड़बड़ करता है, भोली भाली है सीधी सादी है बेचारी, उसको घुमाते रहता है मन, और अहंकार उसके साथ है बड़ा भाई उसका जो साथ देता है मन को, कहता है इसको उल्टा घुमाओ संसार में घुमाते रहो इसको। अहंकारो धियम ब्रूते सुप्तम मा प्रबोधय प्रबुद्धश्चेदानंदे न तम ना हम न वही जगत। इसलिए कहते हैं कि देखो ये जो रजोगुण समुद्भव तो इस बात का बहुत बड़ा संकेत किया। इस रजोगुण समुद्भव दो समास करेंगे, बहुरी समास और तत्पुर समास। बहुरी समास जब लेंगे तो कारण परक हो जाएगा और तत्पुर समास करेंगे तो कार्य परक हो जाएगा, काम का विशेषण हो जाएगा। तत्पुर समास करेंगे रजोगुणस्य समुद्भव, रजगुण का या सम्यक उत्पन्न वस्तु कार्य है कौन, काम। प्रथमांत दोनों विशेषण विशेष भाव बन जाएगी, नहीं तो रजो
गुणो समुद्भव यस्य, कारण समुद्भव का अर्थ हो जाएगा कारणम यस्य, उद्भवति अनेन या उद्भवति असौ, विग्रहवाक्य पर निर्भर है। कर्ण वित्पत्ति भी कर सकते हो, कर्म वित्पत्ति भी करोगे, कर्म वित्पत्ति करोगे कार्य पर चला जाएगा, कर्ण वित्पत्ति करोगे तो कर्ण घय प्रत्यय हुआ है, नहीं अच प्रत्यय सॉरी समुद्भव अच प्रत्यय। षष्ठी, क्योंकि वहां कहेंगे देखो भाष्य में भी है शायद दोनों, रजोगुण समुद्भव रजोगुण समुद्भव यस ऐसा ये हो गया, रजोगुण समुद्भव रजोगुणस्य वा समुद्भव भाष्य में षष्ठी। तो इसे दो पक्ष हो गए ना, बौरी समास में और तत्पर समास में। बौरी समास में कारण पर चला जाएगा तब क्या करेंगे हम, कारण हो गया वो तो कारण का काम किस कैसे अन्वय करोगे, कारण कार्य अभेद करता हुआ अन्वय करना, अभेद करता हुआ। और जो षष्ठी पक्ष इसमें जान में भाषकर षष्ठी पक्ष बाद में ले लिया, क्योंकि वहां अभेद अन्वय करने की जरूरत नहीं है, जो रजोगुण समुद्भव है कार्य, रजोगुण का जो कार्य है वही काम, सीधा सीधा अन्वय हो जाता है। यह भी एक विलक्षण यहाँ बात थी। अब श्लोक का विशेष शब्दों का अर्थ विचार हो गया, विद्यनम के बोल चुका था है ना, एक वचन कह दिया है ज्ञापन करने के लिए, काम क्रोधो न दो पदार्थ, काम और क्रोध दो पदार्थ नहीं है, एक ही है, कार्य कारण अभेद है ना, उसको एक ही ग्रहण करना चाहिए, ये ज्ञापन करने के लिए एक वचन कह दिया। अब बाह्य भाष्य में श्रृणुत्वा तम वैरणम इत्यादि ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशस श्रेय वैराग्य स्यास्य मोक्षस्य षण्णाम भगैदींगणा कैदीरणा इत्युच्यते, ऐसा पाठ भेद है। ऐसा विष्णु पुराण 6.5.74 और एक श्लोक देंगे 6.5.78। इस बात को मैंने शुरू में बता दिया था है ना, संबंध भाष्य में जहाँ भगवान शब्द आया वहाँ भाषक भगवान ने नहीं कहा, भाष्यकार ने आगे जाकर भाष्य में लिख रहे हैं, ऐसे शुरू में बता चुका था, पृष्ठ संख्या भी लिखा दिया था, यहाँ है वहाँ है कि नहीं। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्रस्य जो शब्द है सभी का विशेषण है, समग्रस्य ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य धर्मस्य, समग्रस्य यशसः, समग्रस्य श्रियः, समग्रस्य वैराग्यस्य, अथ समग्रस्य मोक्षस्य, षण्णाम भग, ये छह भग है, ये है जिसके पास उसका नाम भगवान है, ऐसा श्रुति स्मृति ने विष्णु पुराण में कहा गया है। ऐश्वर्यादि षट्कम, ऐश्वर्यादि छह हैं, यस्मिन् वासुदेवे भगः भगाः संति यस्मिन् तदस्यस्त्यस्मिन् इति मत होता है ना, तो अस्ति अस्य में भी होता है, अस्ति अस्मिन् में भी होता है, भाष्यकार कह रहे हैं अस्मिन् पक्ष में उचित है, इसे कहते यस्मिन् वासुदेवे, स वासुदेव भगवान नित्यम अप्रतिबंधत्वेन सामस्थ्यं च वर्तते, ये छह चीजें उस भगवान में कैसा है, नित्य है, यहां मतुप जो हुआ है नित्य में होगा, क्योंकि मतुप छह अर्थ में होता है, अतिशय अर्थ में भी होता है हाँ, और प्राचुर्य अर्थ में भी होता है ना, लेकिन यह करें नित्य में ही लेना, नित्य अर्थ मतुप पाया है, और नित्य इसलिए है क्योंकि वह अप्रतिबंधित है, जो प्रतिबंधित ऐश्वर्य होगा वो नित्य नहीं हो सकता है ना, दूसरा आपको जो टक्कर दे देगा आप अरबपति हो, दूसरा खरबपति हो जाएगा, आप डाउन हो गए कि नहीं हो गए, अपने आप नीचे आ गए आपका ऐश्वर्य तो कि ना जाएगा, अब नाम आपको बोर्ड में नाम नीचे लिख दिया जाएगा, अब तो जो टॉप में नाम था आप सेकेंड में हो जाओगे, या नहीं, यहाँ तो घटता बढ़ता मामला है। वो ऐश्वर्य अप्रतिबंधित होने के कारण से नित्य ऐश्वर्य है, उसका ना बढ़ता ना कोई भी उसका नास्त्यस्य अधिको है ना, उससे न समोवा, श्वेताश्वर प्रश्न में कहा है उससे बराबर भी कोई नहीं, उससे बढ़कर कोई हो ही कैसे सकता है, तो बराबर कोई नहीं हो सकता तो बढ़कर कहां से हो जाएगा, वही सब उसका नीचे ही है, इसीलिए कि सभी उसी से मांगने वाले भीख मंगे हैं, चाहे खरबपति हो चाहे कोई भी हो, जो दाता है सभी का है, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम, और इंटरनेशनल भिखारी रामदेव तो सुप्रसिद्ध हो चुका है तो नित्यम अप्रतिबंधत्वेन सामस्त्येन च वर्तते, और कैसा है वो संपूर्ण रूपेण, समग्र से क्या व्याख्या है भाष्यकार ने उसको सामस्त्येन कह दिया, च वर्तते,
एक और श्लोक वहीं का 78 उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानाम आगतिं गतिं वेत्ति विद्याम विद्यांच सवाच्यो भगवान इति। वही भगवान शब्द वाच्य होता है जिसके अंदर छह चीजों का जो सामर्थ्य हो। उत्पत्तिम प्रलयं चैव, उत्पत्ति वेत्ति इत्युक्तः साक्षात्कार, विज्ञान इत्युच्यते साक्षात्कार जो विज्ञान उसको वेत्ति, विद्याम अविद्यांच है ना, वहां वेत्तिकार क्या लेना, आनंद की रकत है साक्षात्कार जो विज्ञान है वो लेना, जीव ब्रह्म एकत्व साक्षात्कार रूप जो विज्ञान है उसको लेना है वेत्ति शब्द। समग्र ऐश्वर्या संपत्ति समुच्चय अर्थ चकार, चकार जो दिया जगह जगह पे ये समुच्चय करने के लिए है। तो क्या क्या जानता है वो, उत्पत्ति को जानता है, प्रलय को जानता है, उत्पत्ति करना जानता है, प्रलय को करना भी जानता है, जो उत्पन्न करके नाश करना जानता है वही उसको संभालते भी रहता है बीच में। यस, और भूतानाम आगतिम गतिम, भूतों का आवागमन के बारे पूरा हिसाब किताब उसका चित्र से जानकारी है। हर जीव का हृदय में बैठा हुआ हर जीव का हिसाब किताब लिखते रहता है साथ साथ ही, है ना। यद्वा सुपर्ण असुविधा सखाया कह दिया है, वो चिड़िया दूसरी बैठी हुई है नन्यो अभिच्छा कशी, बिना वो भोगे हुए केवल टकटका देखते रहता है तुम क्या सोच रहे हो क्या कर रहे हो, और सारा रिकॉर्ड मेंटेन करता है। और वो हार्डवेयर कभी क्रैश ही नहीं होता है भगवान के, बड़ा कमाल है, क्रैश हो जाए सबकी मुक्ति हो जाए, वो हार्डवेयर बिगड़ता ही नहीं है। ऐसा हार्डवेयर भगवान क्या है, कितने मिलियंस ऑफ जीबीस का है, अनंत जीवों का सारी कहानी उसके अंदर रिकॉर्डेड है, कमाल है। आज की भाषा में बोल रहा हूँ। अच्छा, और कैसा है वो आगतिम गतिम के बाद, विद्याम अविद्यांच वेत्ति, वो ब्रह्म विद्या को भी जानता है और अविद्या को भी जानता है, सारी चीजों को जानने वाला होने से वही भगवान शब्द वाच्य होता है। इति उत्पत्त्यादि विषिञ्च विज्ञानम यस्य स वासुदेव वाच्य भगवान इति, जो उत्पत्त्यादि विषयक विज्ञान है जिसके पास वह वासुदेव को ही भगवान शब्द वाच्य समझना चाहिए। सभी लोग ये श्लोकों को दिए हैं टीकाओं में भी, काम इति कामेश सर्वलोक शत्रु यन्निमित्त सर्व अनर्थ प्राप्ति परिणाम सयेश काम प्रतिहत केनचित क्रोधत्वेन परिणमति, आगे ना उसके कार्य है। कामेश सर्वलोक शत्रु, सारी दुनिया का महाशत्रु है तो काम रहिए, और लेकिन क्या ग्रह आदमी करता काम, स्व काम क्या करे, अनाजिकल ब्रह्मा ने कामना कर दी, उसी का नकल हम लोग करे जा रहे हैं। स्व काम यत, क्या कामना किया था उसने, जाया मे स्यात, इसलिए जो हर जवान बच्चा होते होते पत्नी में जाया मे स्यात बोलता है, पत्नी किसके लिए चाहिए, धर्म करने के लिए, कर्म करने के लिए चाहिए है, और बच्चा पैदा करने के लिए भी चाहिए, कम से कम एक बेटा है। तो वही कह रहे देखो क्या होगा, अथ प्रजा ये, अथ प्रजा ये नीलकंठी, अथ वित्तम में सियात, दूसरे नंबर में पैसा चाहिए, क्यों, कर्म कुर्वीय, भोग के लिए नहीं, कर्म करने के लिए, यज्ञ आदि कर्म कांड करने के लिए, क्यों, पुत्रेण अयम लोको जय कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, श्रुति कहती वो परंपरा आज तक चली हुई है, पर थोड़ा अंतर कर दिया, जाया मे सियात किमर्थम भोगार्थम कह दिया, इधर अंतर पुत्रार्थम भी नहीं है, भोगार्थम आवश्यक, भोग पत्नी न तो धर्म पत्नी, और धनम में सियात क्यों, वारुणिक पेय है, वारुणिक पेय के लिए चाहिए, कर्म के लिए नहीं, यज्ञ कर्म क्या कर रहा, दारू पीना है, अंडा मांस खाना है, उसके लिए पैसा चाहिए, सब उल्टा उल्टा हो गया। संकल्प तो वही है, उतनी तो ठीक है, लेकिन प्रयोजन गड़बड़ा दिया लोगों ने। यदि श्रुते इदम मे भूयाद, इदम मे भूयाद, इदम अस्ति इदम अपि मे, गीता 18वां अध्याय कहते हैं ना, ये तो है मेरे पास, और भी चाहिए और भी चाहिए, लगाते रहता है लिस्ट। इसलिए ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए कह रहे भगवान सर्वलोक शत्रु भाष्यकार,
यन्निमित्त सर्व अनर्थ प्राप्ति प्राणिनाम, जिस निमित्त को लेकर के सकल प्रकार के अनर्थ की प्राप्ति होती इन प्राणियों को, स एष काम, वह यही है जिसका नाम है काम। लो भी काम दो, काम दो, हिंदी में भी बोलते ना काम दो, कुछ काम बताओ, वर्क। तो क्यों, काम के कारण से तो काम है, एक संस्कृत वाला काम क्यों से हिंदी वाला काम बन गया, वो कामना ना हो तो काम क्यों ढूंढेगा, वो कामना क्या पैसे कमाने काम नहीं से तो काम ढूंढ रहा है। प्रतिहता के निश्चित, मान लो लेकिन कामना जो चाह रहा था वो किसी के तरफ प्रतिहत हो गया, अवरुद्ध हो गया, प्राप्ति में बाधा आ गई, तो क्रोधत्व परिणाम दे, वही काम क्रोध रूप परिणाम को प्राप्त हो गया, आज कार्य कारण भाव स्थापित कर दिया ना। अतः क्रोधो भी ऐसे, इसलिए क्रोध भी इसी का बच्चा है, ये काम ही समझो, बाप बेटा एक बराबर है, बाप जैसे तो बेटा होता है, बेटा जैसे बाप होता है, अधिकतर ऐसा ही होता है। इसे कहते हैं अतः क्रोधो भी ऐसे उन्हें काम एव, अपवाद तो संसार में हर चीज का है, हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद हो गया, देवता बन गया है, कहीं राक्षस का बेटा देवता है, देवताओं का बेटा राक्षस हो जाता है, बदमाश पैदा होता है। अपुंडरीक क्या था, उसके माँ बाप बड़े भक्त थे, अपुंडरीक बड़ा बदमाश था, बेकार आदमी, सब गंदा काम करता था, ठीक है, जो गौतम ऋषि की कृपा हुई उद्धार हो गया। ऐसे ही संसार में अपवाद तो होते ही नहीं, सामान्य रूप में अनुरूप ही माना जाता है, इसे कहते हैं अतः क्रोधो भी ऐसे मेरे काम है। बस रजोगुण समुद्भवो, रजोगुण समुद्भवो, इसकी व्युत्पत्ति बता रहे, देखिए रजस्य तद गुणश्चित रजोगुण, रजस्य तद गुणश्चित रजोगुण समुद्भवो यस्य, बहुरी समास, रजोगुण समुद्भवो यस्य, रजोगुण है कारण, समुद्भवनीय कारणम यस्य स काम, कारण है जिसका, उसका नाम काम, रजोगुण समुद्भवो, अथवा रजोगुणस्य वा समुद्भव, रजगुण रूपी कारण का जो समुद्भव कर दिया होगा कार्यम, क्या है वो काम, उद्भूतो कामो ही उद्भूतो रज प्रवर्तन पुरुषम प्रवर्तयति, क्योंकि जब कामना उद्भूत हो जाती है, जो रज से रजगुण से प्रवृत्त करते हुए वह कामना जो उद्भूत होती है तो पुरुष को काम करने में प्रवृत्त करा देती है। इसके लिए स्मृति का आरंभ बहुत सुंदर श्लोक का है जो हमने लिखा है, देखिए, प्रज्ञां तु सात्विकीं प्राहुस तामसीं तु विचित्तताम क्रियां तु राजसीं प्राहुर गुण तत्व विदो बुधाः। गुण तत्व के वेत्ता ज्ञानी पुरुषों ने कहा है सात्विकी क्या चीज होती है, प्रज्ञान तु सात्विकी प्राहो, ज्ञानाकार परिणाम हो रहा है, विवेकाकार परिणाम हो रहा है, प्रज्ञा की परिणाम हो रही का मतलब क्या होता है, वह सात्विकी है। कि प्रज्ञा क्या होती है, योग सूत्र से पढ़ लो, योग सूत्र में बताया प्रज्ञा किसका नाम है, प्रथम भरा प्रज्ञा, जो ऋत को सत्य को धारण करती है उसी का नाम प्रज्ञा। और सत्य क्या है, एकमेव मात्र जो वेदांत वैदिक सिद्धांत है, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व एकमात्र वही सत्य, उसको धारण करने वाली बुद्धि का नाम प्रज्ञा, तार्श प्रज्ञा ही सात्विकी है, बाकी सब असात्विकी। प्रज्ञां तु सात्विकीं प्राहु तामसीं तु विचित्ततां, तामसी क्या है, विविध चित्तता, तामसी आ गया मैंने विविध चित्त हो जाता है उसका, इति विचित्ततां। और क्रियां तु राजसीं प्राहु, और राजसी में दुनिया भर क्रियाकलाप करने में लग जाता, गुण तत्व विदो बुधा, गुण तत्वता जो बुध जन इस बात को कथन करते हैं, उस पर कह दिया रज प्रवर्तन, भाष्यकार के दिमाग में ऐसे सब श्लोक है, इसके रजगुण के द्वारा प्रवृत्त होता हुआ यह काम जब उद्भूत हो जाता है तो पुरुषम प्रवर्तयति, क्रिया की ओर दौड़ा देता है, यह रजगुण का काम है क्रिया करना कराना। तृष्णया ही अहंकारित दुखिताम रज कार्य सेवाद प्रवृत्ता नाम प्रलाप श्रूयते, तृष्णया अहंकारिता, और भूख से वह जो
कामनाओं का भूख के द्वारा अहंकारित होकर के व्यक्ति क्या होता है, रजक कार्य रजोण प्रधान कार्य क्या है, सेवादि में प्रवृत्त हो जाता है। प्रवृत्त हुआ व्यक्ति दुखिताम प्रलाप प्रलाप श्रूयते, प्रवृत्त पुरुष दुखी होकर के विभिन्न प्रकार के प्रलाप करता हुआ सुनने को मिलता है। कई लोग आते हैं, महाराज हमारा बॉस हमको बहुत तंग करते, क्या करे, उसको अपने वश में कैसे किया जाए, नहीं बॉस परेशान करते हर जगह, ये हाल जो भी है उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर दूसरा, वो उसको परेशान कर रहा है, वो निचले परेशान करता है, ऊपर से नीचे तक यही हाल सबका है। और मालिक अपने आप वो गिनती करने करते पागल रहता, वो टेंशन सबको देता, खुद का टेंशन दूसरे को डालता है। जब मालिक टेंशन में धन दौलत को लेकर के, व्यापार को लेकर के, उसने एक चीफ में जो आपका चेयरमैन से लेकर के नीचे चपरासी तक सबको टेंशन में डाल देता है। बड़ा विचित्र स्थिति है ना। दुखिताम प्राणी नाम प्रलाप श्रूयते, इन दुखित प्राणियों के प्रलाप सुनने को बहुत प्रकार से मिलता है। नौकरी मिला तो रोता है, नहीं मिला तो रोता है, दुनिया विचित्र, नहीं मिली तो कहीं से मिलेगी, परेशान रहता है, कहीं से लगा दो कहीं से लगा दो, मिल जाए तो वहाँ पर ये कमी है, वो कमी है, वो ऐसा होता है ऐसा होता है, यहाँ इतना तंग करते इतना परेशान करते, वहाँ दुनिया को मिलते आदमी दोनों तरह से परेशान। इसलिए कहते हैं कि प्रलाप हर तरीके से है। जहाँ तृष्णा से अहंकारित और व्यक्ति प्रवृत्त होता है, वहाँ प्रवृत्त हुआ व्यक्ति अवश्य दुखी होता है। प्रवृत्ति किसमें हो रहा है, रजोगुण का कार्य प्रधान सेवा आदि प्रवृत्त होता है, उसमें निश्चित रूप में उसको दुख मिलता ही है। यहाँ सेवा से लेना है नौकरी आदि, गुरु सेवा आदि को नहीं लेना है। यहाँ गुरु सेवा तो बहिरंग साधनों में से है, वो तो बहिरंग साधन है वेदांत ज्ञान के लिए, दुख का साधन नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञान का साधन है, इसलिए वो सेवा को नहीं लेना है यहाँ, या नौकरी आदि से। क्यों ऐसे कह दिया आपने इसको, क्योंकि महाशनो कहते तो महाशन है ये, महाशनो महाशनम अस्य महा मद अशनम अस्य महत अशन अस्य इति महाशनो, बहुत खाने वाला ये काम, क्योंकि जितनी भी इसको दो और स्वा और चाहिए बोलते रहता है। न जा तो काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति, शमन इसका कभी नहीं होता है। अग्नि के समान जितनी घी डालो उतनी पड़ता है, उसी प्रकार से जितनी विषय भोग इसको दो उतनी काम नहीं पड़ती जाती है, और इसे आगे चीज चाहता है और उसे आगे चीज चाहता है। दुनिया ही ऐसा, साइकिल था तो स्कूटर की चाहो तो स्कूटर आ गया, तो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल आ गया तो कार, और कार आ गई तो उसे बड़ा 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 25 लाख 50 लाख की कार खरीदने की सोचता है। पहले तो सेकेंड हैंड ले लेते, 50,000 में भी हो जाए चलो कोई बात नहीं, सेकेंड हैंड दे दो, थर्ड हैंड दे दो, अरे चल रहा है ना बस वही दे दो, चलता हुआ गाड़ी चाहिए हमको, है या नहीं। फिर धीरे धीरे वो आशा पाश रज्जू से बंधा हुआ, इसी कहते महाशनो महदशन मसी महाशनो, अतएव महापापा, इसलिए महापापा। अब कामना पूरी नहीं होगी तो क्या करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, है ना, पत्री लिस्ट बना के ये सामान आपको लाना है शाम तक, क्या करे आदमी, कहाँ से लाए, जो आगे कोई ऑफिस में, अरे तुम्हारा काम नहीं हो, गेट आउट बोलते रहे, नाराज होते रहे उस पर, वो कहेगा आज बाबू तो बड़े नाराज लग रहे, क्या बात है, और हाजोड़े साहब साहब को क्या महाराज, अब जो सेवा को कर दें ले, नहीं ये काम तो नहीं होगा, जाओ यहाँ से, फटकार देगा उसको, दोबारा तीबारा फटकार दो, आप जो कर दो 500 रुपये दे, अलिस्ट लंबा चढ़ क्या करें, भ्रष्टाचार करना पड़ता है। पास हो रखा है लाइसेंस, हमने अपने अनुभव किया हुआ है, आरटीओ ऑफिस का अनुभव है बेंगलुरु में, वो लाइसेंस को नीचे रख दिया कुर्सी में, नीचे रख के उस पर बैठ गया लाइसेंस के ऊपर, ओके दे देखो कहाँ हुआ, वो सारे ट्रेड ढूंढ लो, तुम्हारे पास हो गए तो ले लो, मेरा क्या है, ऑफिसर ने साइन नहीं किया अभी तक, क्या करे कि एक आदमी को किसी कराया तो बहुत अर्जेंट था, हमने दे गए तो ऐसा मानेगा नहीं, तो चाय पानी चाहिए लग रहा है, जिंदगी में पहली बार मैं घुस दिया तो उस दिन दिया था 5 रुपया, 1978 5 रुपये बहुत होता है, आज से 500 रुपये बराबर है, 1978 की बात, पूरा 30 साल हो गया, उसको दिया 5 रुपये तो खट उसने नीचे से निकाली, एकदम महाराज जाओ भाई देखो
पांच पिछड़े मांग रहा तो पत्नी लिस्ट बना रखी होगी ना, मूंगफली लाना है, और कहाँ से लाता वो, तंखा खत्म हो चुका है, और 5 रुपये मिल गया, आप जाए मूंगफली खरीद के ले जाए पत्नी के लिए। भ्रष्टाचार यही शुरू होता है, कामना ही पाप कराता है। इसे कहते हैं अतएव महापापमा कामेन प्रेरित जंतु पापम करोति। साफ साफ है भाष्कर कहते हैं कामना से प्रेरित होकर के यह जीव पाप को करता है, नहीं तो पाप करने की जरूरत क्या आदमी को। अत विद्धि एनम कामम यह संसारे वैरिनम, इसलिए इस संसार में इस काम को ही वैरी करके समझो, क्योंकि साम दान दंड भेद चार प्रकार से वैरी का शमन किया जाने की प्रक्रिया बताई गई है। साम है सबसे पहले, उसको समझाओ, कामना को समझो, हे कामना जो भी आवे विषय की कामना, अरे लाभ दू तो क्या फायदा होगा तुमको, टीवी का कामना हो गई तो समझाओ कामना करे तुम क्यों चाह रहे हो मन इस चीज को, इससे तो आंख खराब हो जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई खराब हो जाएगी, 24 घंटे इसमें चिपके रह जाओगे और कोई भी चीज नहीं आ रहा, सीढ़ी लगा के देखने लग जाओगे ना, क्या करें बिजली नहीं है तो बैटरी लाओगे उसे चलाओगे, क्यों ये सब झंझट कर रहे हो, फिर बैटरी चार्ज करनी पड़ जाएगी, कितनी मुसीबत है, समझाओ उसको, छोड़ो इसलिए टीवी का आशा क्या हो, ऐसे समझाना पड़ता है, नहीं मानता क्या करेंगे उसको, चलो ऐसा करते हैं अपना नहीं लाते पड़ोस में जाके देखेंगे, वो चाहे गाली वाली दिन फटकार बार बार क्यों आ रहे हो यहाँ, तो अपने मन शांत हो जाएगा, उस इच्छा को त्याग देगा। दान दान दो, उसकी इच्छा को थोड़ी सी पूरी कर दो, इन किन प्रकार है ना, लेकिन थोड़ा सा आपने दिया तो और बढ़ जाएगा वो, तब क्या करना है भेद दो, भेद पैदा करने की कोशिश करो, भेद कैसे करेंगे, नहीं ये नहीं चाहिए इसके वजह से वो अच्छा है ना वो ले लेते हैं, ऐसे कह करके शास्त्रीय जो कर्मानुकूल वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रेरणा दो, और अगला बजट में देखेंगे तुम्हारी कामना को, तब तक वो भूल ही जाएगा कामना को, मन ऐसा ही है ना, जो गलत चीजों की कामना करेगा उसको अगले बजट में खरीदूंगा, ऐसे मन को समझाना पड़ेगा, नेक्स्ट बजट में दिस थिंग, अभी तो पूजा का घंटी चाहिए, चलो इस बजट में घंटी का लाना, ऐसे करके शास्त्रीय कर्म की सामग्रियों को बजट में जोड़ दे रहना, और मन की कामना जो फालतू आती है उनको नेक्स्ट बजट करके डालते रहना, अपने आप कैंसर ही हो जाता है, ये भेद पैदा करने के तरीका है। दंड तो दे ही नहीं सकते इसको, दंड या नहीं चलेगा, कामना का कोई दंड नहीं होता, तो दंड करोगे और उग्र हो जाता है ये खतरनाक है। कई बार होते ना कोई बच्चे से उग्र होते हैं, उनको एक थप्पड़ मारा तो कहेगा अच्छा देख लेता हूँ, पास होऊंगा ही नहीं कहेगा बाप को, तो मैं स्कूल एक दिन नहीं गया तो थप्पड़ मार दिया ना, अब जिंदगी भर जाऊंगा ही नहीं, अब क्या करोगे, ऐसे बच्चे को थप्पड़ मारना ही नहीं चाहिए, इसे जाने ही बंद कर देगा स्कूल हमेशा के लिए, इसे देखा जाता है ऐसे ही उग्र स्वभाव का कामना, इसको दंड देने से और बिगड़ जाता है, इसे साफ कहते देखो यहां पर साम दान भेद दंडाश्चत्वारा उपायाः तत्र प्रथम त्रिकस्य असंभवे चतुर्थो दंडो प्रयोक्तव्य न तो हटा देव इत्याशय। पहला तीन जब संभव न हो तो दंड प्रयोग करना चाहिए, यदि कोई कहे कहते नहीं वो हटा करोगे तो मुश्किल हो जाएगा और उल्टा, ये पहला तीन तो संभव है, चौथा काम के साथ नहीं चलेगा, इसको विजय पाने की रास्ता एकमात्र सत्वृत्ति को बढ़ाने का और कोई रास्ता नहीं है। तो हिंदी वाला काम उससे भी नहीं मानता है ना, वो भी अभिशाप उपभोगे न सहमति वाली बात है, वो भी नहीं बनता, जितनी करोगे और बढ़ेगा, कि जितना करेगा उतना ज़्यादा मिलेगा, करेगा तो फल मिलता है ना, और फल मिल गया तो फिर उसकी तृष्णा बढ़ेगी, समस्या तो ये है। आदमी एक बार प्रवचन करने गया तो लोगों ने ताली बजा दी, फिर तब क्या कहना, अगले बार सोचेगा इसे और बड़ा सभा में बोलूँगा, है कि ये जो खंडन हो जाए तो थोड़ा अहंकार ठंडा हो जाता है, उसके अगला वक्ता उसके बाद वो खंडन कर देगा ना तो थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर सोचता है तो क्या हो गया, अगले बार उसकी बात भी मैं काटने की कोशिश करूँगा, इसी मंच पर करूँगा,
ये उल्टा है बुद्धि का स्वभाव है। ठीक है, आज अब की बार उसका पहला नंबर पड़ गया तो कोई बात नहीं, अगले बार हम सूची बनाने वाले को पकड़ लेंगे, उसको कहेंगे पहले उसका नाम बोलना भाई फिर मेरा नाम, वो जो बोलेगा पिछले बार का और अब की बार का दोनों के इकट्ठे खंडन कर दूंगा। ऐसे लोगों को हमने देखा है, मैं बोलता था अनाउंसर, कई कार्यक्रम में अनाउंसर रहा हूँ तो मेरे को कहते थे मेरा नाम उनसे पहले बुलाया, मैं सोचता था ओहो ये शैतानी है, महापाप है ये। बड़े अनाउंसमेंट करता था ना और तात्पर्य बोलते थे, जो सार प्रवचन का तात्पर्य जो बोलते थे लोग पसंद करते थे उस चीज़ को, एक नटशन में फिट इतने सारे बाप एक ऐसे एक पंक्ति में बोल देगा सबके दिमाग घुस जाता क्या बोला गया। उसमें एक विलक्षण होता है कला थी भगवान की दीवी, तो उसकी वजह से लोग हमको बोलते थे जहाँ भी बड़ा बड़ा कर रहे हो मुझे बुला देते, आप बोलो आप बोलो आप अनाउंसमेंट करो। अब इसलिए क्या करें, करता था तो मेरे को इसे अनुभव हो गया इस चीज़ का, तभी मेरे को पता चला कि ऐसे भी लोग होते हैं वक्ता, लिस्ट में मेरा नाम पहले नहीं डालना बाद में डालना, अमुक के बाद में, बस मेरे पास और बात बोलते रहे लेकिन अमुक के पहले नहीं देने का, ये संसार की स्थिति है। इसे कहते हैं ये नाम वर्ण विषय टीकाकार मंसूसिनी कह रहे हैं साबित बात को, त्रयाणाम असंभवम वक्तुम विष्णुष्टि महाशनो महापापमान महादशनम अस्ति महाशनः यत् पृथिव्यां व्रीहि एवं हिरण्यं पशव स्त्रियः नालं मेकसु तत्सर्वं इति मत्ताशमं व्रजेत् इति स्मृतः है। शम मन को दबाना पड़ता है, कैसे, यत् पृथिव्यां जो कुछ पृथ्वी में है, व्रीहि एवं हिरण पशव स्त्रियः एकस्य पुरुषस्यापि अलं न भवति, एक पुरुष को सारी चीज दे दी जाए तो भी उसके लिए पर्याप्त नहीं होता है, फिर हे मन तुम क्यों झूठी कामना किए जा रहा है इस चीज का, ऑटो सजेशन थियोरी, इसको समझाना पड़ता है। क्योंकि कहावत है जब बाप का जूता बेटे के पैर में लग जाता है तो मित्र व्यवहार करनी चाहिए, और ये काम कैसा है, सबका बाप है, सबका बाप है ना, अभी बोला ना सर्वलोक वेरी सारी दुनिया का वेरी, अब इससे तो मित्र जैसे व्यवहार नहीं करोगे तो उल्टा दबा देगा, इसे मित्रवत व्यवहार करना पड़ेगा, इसके साथ प्रेम से समझाना पड़ता है काम इच्छाओं, अभी होती इच्छा हो चल लड़ाई वाला चलना है तो चल दिए, अरे नहीं मन को थोड़ी देर रुको, फिर कहेगा क्या करना है जा करके, खुद ही बोलेगा तुरंत ठंडा भी हो जाता है, जब तुरंत कभी कोई मकाम ना हुई तो हड़बड़ाना नहीं चाहिए, उसे लिस्ट में लिख दो, 10 मिनट के बाद देखो लिस्ट देखो उसको फाड़ के फेंक दोगे अपने आप है कैंसल। इसे आदमी को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, सिर्फ धैर्य होना चाहिए, संकल्प आया कामना हुई झट उसको सक्रिय करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, ताकि जब थोड़े रुकोगे सोचने को मौका मिलता है, फिर विवेक कर सकते हैं भाई शास्त्र के अनुरूप है या नहीं है, उचित अनुचित को समझ हिताहित को समझ करके प्रवृत्त हो सकता है व्यक्ति। इसलिए कहते हैं नालम में तो सर्वमित मत्ता शमम व्रजेत इति स्मृते है, ये स्मृति भी कहती है स्वातंत्र स्थिति संसार स्रोत अकस्मात प्रवृत्त है, यदि मनुष्यों को स्वातंत्र है फिर भी क्यों प्रवृत्त होते हैं इत्यादि महावीर वार्तिककार आत्मग्रास इत्यादि श्रुति जो अभी आ रहा है श्रुति आपके प्रधान प्रसन्न 1-4-7 उसी में आने वाला है सारी बातें, वहाँ के वार्तिकों को यहाँ भाष्यकार ये मसूनकार दे रहे हैं, वहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति इन सब में जो मनुष्य स्वतंत्र है फिर ये क्यों जाता है, केन प्रवृत्तम बलवा बलादिव नियोजित अनिच्छन्न भी, ये सारी बातें वहाँ पर आ रही विस्तार रूपेण वार्तिककार अनेक वार्तिकों से जो समझाया है वो यहाँ पर भी इन्होंने संक्षेप में कहा, उसको आप देख लीजिए कठिन नहीं है वार्तिक, यही श्लोक को सभी ने दिया, नीलकंठ ने भी दिया, न जात काम कामान उभयशामति अविशा कृष्णवर्तमेन भूय एवाभि वर्तते यत् पृथिव्यां व्रीहि एवं हिरण्यम् इत्यादि भी उन्होंने भी दिया है, पता नहीं कौन सी स्मृति है हमको मिला नहीं है, जितना हमने देखा उसमें नहीं मिला। अगले क्या उतरने का विषय, कथम वैरी थी दृष्टांति प्रत्याय थी, इस कामना को आप वैरी क्यों मानते हो, उसको तीन विलक्षण दृष्टांतों की तरह समझाना चाहिए, तीन दृष्टांत तीनों दृष्टांत बहुत महत्वपूर्ण है,
अलग अलग बातों को कहने के लिए अलग अलग प्रकार का दृष्टांत लिया गया है। काम एक है लेकिन उसको तीन दृष्टांत है। धूमे नावृते वन्निर यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस तथा तेनेदम आवृतम। धूमेन आवृते वन्नी, वन्नी स्वप्रकाश है, उसे कार्यभूत जड़ और अप्रकाशात्मक धूम उसके प्रकाश को ढक देता है ना। धूम क्या है? अप्रकाशात्मक जड़ है, उसी का कार्य है, उसी पे भरोसा जिंदा भी है। यदि अग्नि बुझ जाए तो धुआं कहां से निकलेगा? अग्नि के वजह से धुआं निकलता है, उसी पे अधिष्ठित होता है, उसी को ढक देता है। यही तो अविद्या करती है, जड़ है, अप्रकाश रूप है। और ब्रह्म में अधिष्ठित होकर अपने सारे कार्य को दिखा रही है, दिखा तो ब्रह्म को ढक देती है। धूमेन आवृति वन्नी, ये तो सहज हो गया क्योंकि वन्नी और धूम का सहज संबंध। आगंतुक भी होता है, देखो आगंतुक के लिए दृष्टांत आदर्शो मले नच। मल क्या है? आदर्श पर, दर्पण पर आगंतुक है, अशुद्ध के द्वारा शुद्ध को ढकने का दृष्टांत है। अविद्या कैसी है? अशुद्ध है। मल क्या है? अशुद्ध है। दर्पण कैसा है? शुद्ध है। अशुद्ध के द्वारा शुद्ध को ढकना पहला वाला, अप्रकाश के द्वारा प्रकाश को ढकना दूसरा, अशुद्ध के द्वारा शुद्ध को ढकना।